कस्टमर को कलर चॉइस चाहिए वो अपन दे रहे हैं, कस्टमर को अच्छी वैरायटी चाहिए वो अपन दे रहे हैं, और आज की डेट में कस्टमर्स की डिमांड है तो काम करने में बुराई क्या है? कस्टमर को मोनेर व्लॉग्स के वीडियो चाहिए मेरे तो हम दे रहे हैं, सबटाइटल चाहिए थे आपने दे दिए आउट ऑफ इंडिया के भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स, थैंक यू मुनीर, बहुत मतलब सब टाइटल्स का बहुत फायदा है। ये जो आपका थोड़ा खर्चा और परेशानी बढ़ गई है वो मैं देखता हूँ, मुझे पता है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कसम से। वॉफल खाते हैं हाँ, है ना, अंदर से थोड़ा इस तरह से वॉफल खड्डा हो रहा है, उसके अंदर नटेला लगा करके खाओ, अब देख ही सकते हो वेट से आपका ही जा जाएगा। खाने पीने के शौकीन है, माल में भी वो नाम से जब माल मिलता है तो जल्दी बनाता हूँ मैं थोड़ा ज्यादा। सही बात है। ये वाले आर्टिकल को मैं चाहूंगा जूम इन कीजिएगा इसके पॉकेट को मुनीर भैया, ये पॉकेट्स मैच करना बहुत हार्ड होता है, जो आप देख रहे हैं इतनी हार्ड प्रिंट भी पूरी मैच करके बनाई है। ओके, अगर ये आप वेगस का टैगिंग नहीं देते तो पता ही नहीं चलता कि ये पॉकेट भी है। और 80% हमारे आर्टिकल जो है वो अब डबल शोल्डर हो गए। ओके, 20% जो कॉर्डराइज आर्टिकल है जो ओवर थिक फैब्रिक है उसमें हम लोग डबल शोल्डर नहीं दे रहे, ठीक है, बाकी 80% आर्टिकल डबल शोल्डर, डबल शोल्डर ही रहेगा, ठीक है। यस, इंपोर्टेड चाइनीज फैब्रिक्स है, प्लास्टिक है, अभी प्लास्टिक ही चल रहा है ये मान के चलो। पहले क्या होता था कि कॉटन चल रहा था ज्यादा, अभी इंपोर्टेड ज्यादा चल रहा है, डिमांड ज्यादा उसकी है। ओके, इंपोर्टेड की ज्यादा डिमांड अपने मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कवर कर रहे हो सर? ये इंपोर्टेड वेलवेट कॉर्डराइज है, इंपोर्टेड वेलवेट कॉर्डराइज, आप टच कीजिएगा इसको भी, जैकार्ड है प्लस, अंदर आप देख पाएंगे फैब्रिक ही पूरा अंदर डिजाइन बनी हुई है फैब्रिक के अंदर ही प्रिंट बनी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मुनीर व्लॉग्स। दोस्तों आज का वीडियो आ रहा है अहमदाबाद के वेगस शर्ट से, इनके यूएसपी इनके डिजाइनर शर्ट्स है, अच्छे रेट में डिजाइनर शर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सर अपने साथ में, सर आपका वेलकम करते अपने चैनल पर। आपका भी वेलकम है मुनीर भैया। सर जो अपने नए व्यूवर्स है उनको आपके बारे में और आपके फर्म के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ना। मेरा नाम है प्रतीक और हमारी ब्रांड का नाम वेगस पड़ता है, हमारी फर्म का नाम जो है देवी गार्मेंट्स पड़ता है, अपनी जो शॉप है वो लोकेटेड है कर्नाटी प्लेटिनम K9 में जो आता है गीकाटा रोड अहमदाबाद में, ठीक है। सर जो अपने नए व्यूवर्स है जो आपको पहली बार देख रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई भी व्यूअर नहीं है जो आपको नहीं जानता है, बट नए व्यूवर्स के लिए आपके काम के बारे में बताइए, जैसे अपना रेंज क्या है, वो रेंज में क्वालिटी क्या है, अपना सेटअप कैसा है? हमारा टोटली पार्टी वेयर ब्रांड है, सेमी पार्टी वेयर बोल सकते हैं मुनीर भैया, 400 से लगा करके 550 की रेंज रहती है टोटली, 400 स्टार्टिंग है। यस, 400 स्टार्टिंग रेंज है, टोटली प्रीमियम आर्टिकल्स में डील करते हैं, प्रीमियम आर्टिकल्स में डील नहीं करते हैं, जो है मोस्टली ट्राई करते हैं और प्रीमियम बनाने का पीस। ओके, मतलब डिजाइनर मैरिज सीजन में जो प्रीमियम आर्टिकल्स चलते हैं उस तरह के पीसेस अपने पास मिल जाएगा, 100% आर्टिकल्स पार्टी वेयर बेस पे ही रहते हैं, ठीक है। अपने पास अभी तैयारी क्या, मैरिज सीजन एंड समर सीजन आ गया, अपनी क्या तैयारी अपने पास? बहुत तैयारी है, समर सीजन की तो तैयारी कब से पूरी हो गई, अभी ईद की भी तैयारी हमारी चल रही है, आपको वो भी झलक दिखेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सैंपल्स के साथ। श्री गणेश में साटिन प्रिंट्स लाए हैं मुनीर भैया। ओके, यस, ये साटिन काकरिया प्रिंट्स हैं, ठीक है, 100% कॉटन आर्टिकल्स में है, मैच की हुई है प्रिंट्स, आप देख सकते हैं पॉकेट्स में। ओके, और बटन्स कुछ यूनिक लगा है ना इसमें, टोटली डाउन होल मेटल बटन्स के लिए ही हम लोग मोस्टली फेमस है। यस यस, 100% आर्टिकल्स में हम लोग डाउन होल मेटल बटन्स ही यूज करते हैं और रेगुलर डाउन होल बटन्स नहीं है, ये कुछ अलग इंपोर्टेड। यस, कुछ अलग है, और ब्रोच तो रहता ही अपने सारे पीस में, रिमूवेबल ब्रोचेस रहते हैं मुनीर भैया, मतलब जो इजीली रिमूवेबल है, डिटैचेबल है पीस में से, मतलब रेगुलर एज वेल एज मैरिज दोनों में चल सकता है, वो ऐसा नहीं है कि आपने पार्टी वेयर फंक्शन में पीस पहन लिया एंड देन नहीं पहन सकोगे, इस तरह से नहीं है। ओके, ये देखिए, ये काफी अच्छा पीस लग रहा है सर, ये इंपोर्टेड फैब्रिक के ऊपर है, ठीक है, फैब्रिक सेल्फ लाइनिंग वाला है अंदर से। तो इसमें अपने पास कलर चार्ट कैसा रहता है सर? कलर चार्ट प्रिंट्स में 2 कलर या 3 कलर की रेंज रहती है। ओके, तो उसमें कलर ऑप्शंस? यस, 100% कलर ऑप्शन रहता है, कस्टमर 3 में से भी 1 ले सकता है, 2 में से भी 1 ले सकता है, और 12 कलर का प्लेन का 18 कलर का चार्ट है उसमें से भी 1 कलर ले सकता है। ओके, इसमें अपने पास साइजेस क्या अवेलेबल रहती है? साइज मुनीर भैया हमारे यहाँ पे 3 वेरिएंट रहते हैं, MLXL, M-XL और 2-3-4XL। ओके, तो वो तीनों रेशियो में से जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं। ले सकते हैं, यस। एरिया वाइज डिपेंड करता है। एक ये देखिए डबल क्लोथ है, वीव्ड क्लोथ बोल सकते हैं इसको। ओके, पूरा वीव किया हुआ फैब्रिक है, आप देख सकेंगे, ठीक है। यस, मतलब अभी जो मार्केट में रनिंग चल रहा है डबल क्लोथ वीव, नहीं वो नहीं है, डबल क्लोथ वाला वो अलग है, वो भी है। ये क्या आपने बोला? वीव, ये वीव किया हुआ डबल क्लोथ है, ये एक्चुअल डबल क्लोथ ये है, फिर उसके अभी जिसको डबल क्लोथ बोल रहे हैं वो एक्चुअल डबल क्लोथ नहीं है, वो पफ्ड डबल क्लोथ फैब्रिक बोलते हैं उसको। ओके, होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये वीव्ड है। यस, फिर एक ये देखिए। ओके, तो एट ए टाइम अपन कितना सैंपल्स मेंटेन करते हैं सर? पर आर्टिकल 40-50 आर्टिकल्स रहते हैं पर डिजाइन, मतलब आप बोल सकते हैं प्रिंट्स में आपको 50-60 डिजाइन मिलेगी। ओके, चेक्सेस में आपको 50-60 डिजाइन मिलेगी, उसमें कलर अलग, फिर लाइनिंग में आपको 20-25 डिजाइन मिलेगी,
प्लेन्स में 25 से 30 12 15 15 18 कलर की रेंज की डिजाइन्स अलग अलग मिलेगी. ओके, मतलब डिफरेंट बेसिस, मतलब 200 के अप्रोक्स 200 से ज्यादा के सैंपल्स मिल जाते हैं अपने. कलर चार्ट के साथ गिनने जाओ तो ज्यादा है, बट ऐसे नॉर्मली गिनो तो 200 अपना छोटा काम है. ओके, थोड़ा अपने स्टिचिंग के बारे में बताए ना, स्टिचिंग अपना कॉलर है ही नहीं. ठीक है, कॉलर पे स्टिच है ही नहीं मुनीर भैया, स्टिचलेस कॉलर ही डेवलप करते हैं. थोड़ा क्लोजअप से एक बार थोड़ा आप थोड़ा जूम इन कीजिए, मैं दिखा देता हूँ. स्टिच नहीं है, स्टिचलेस पीस है, पेस्ट करके हमारा माल बनता है. पेस्टिंग से होता है, यस. फ्रंट भी पूरा स्टिचलेस है, आप देख सकते हैं. ठीक है, ये क्रश फैब्रिक है ये वाला जो है, दिस इज नॉट पॉपकॉर्न. ओके, क्रश फैब्रिक बोलते हैं, क्रश फैब्रिक है. पॉपकॉर्न जो फैब्रिक रहता है, जो आजकल काफी मीडियम रेंज में चल रहा है, अभी मीडियम हो गया है ना. देखिए ये पूरा क्रश फैब्रिक है. ठीक है, फैब्रिक ही पूरा क्रश है. ओके, ऊपर से कोई इफेक्ट नहीं दी हुई है. ओके, मतलब इस तरह के फैब्रिक्स अच्छा चल रहा है अभी मार्केट में. ये इम्पोर्टेड चाइनीज फैब्रिक्स है, प्लास्टिक है, अभी प्लास्टिक ही चल रहा है ये मान के चलो. पहले क्या होता था कि कॉटन चलता था ज्यादा, अभी इम्पोर्टेड ज्यादा चल रहा है, डिमांड ज्यादा उसकी. ओके, इम्पोर्टेड की ज्यादा डिमांड अपने मार्केट में. ठीक है, नेक्स्ट क्या कवर कर रहे हो सर? ये इम्पोर्टेड वेलवेट कॉर्डरोइज है. इम्पोर्टेड वेलवेट कॉर्डरोइज, आप टच कीजिएगा इसको भी. जैकार्ड है प्लस, अंदर आप देख पाएंगे फैब्रिक ही पूरा, अंदर डिजाइन बनी हुई है फैब्रिक के अंदर ही, प्रिंट बनी हुई है. तो एक मिनिमम कितना माल लेना पड़ता है वैसे आपसे जुड़ने के लिए? 51 पीस का हमने मिनिमम रखा हुआ है. और कोई शॉप पर आकर लेना चाहता है तो सेम क्वांटिटी नियर अबाउट रहती है. Okay. कोई एक दो बंडल का मतलब वो नहीं है. हाँ, किसी को छोटा है अभी नम स्टार्टिंग कर रहा है, हैवी रेंज रखने की कोई व्यापारी, तो मोस्ट वेलकम है. 36 पीस हम दे देते हैं. 36 पीस, ये नहीं है कि वो जो एक एक दो दो बंडल वाला काम नहीं, पॉसिबल है नहीं. ठीक है, मतलब जो शॉप है उसको हम एंटरटेन कर रहे हैं. ठीक है, यस. Okay. पहनने वाले या दो चार दोस्त मिलके भी कुछ इस तरह से होते हैं, उनके लिए नहीं. ओके, ये काफी अच्छा पीस है. अगेन आप देख पाएंगे जो हमारे प्रीमियम से प्रीमियम आर्टिकल है उसमें भी हम डाउन होल बटन मेटल बटन से यूज करें, प्लस हर एक आर्टिकल में साइलेंट पॉकेट डेवलप करते हैं. ओके, पॉकेट्स तो रहता ही रहता है. और 80% हमारे आर्टिकल जो है वो अब डबल शोल्डर हो गए. ओके, 20% जो कॉर्डरोइज आर्टिकल है, जो ओवर थिक फैब्रिक है, उसमें हम लोग डबल शोल्डर नहीं दे रहे. ठीक है, बाकी 80% आर्टिकल डबल शोल्डर ही रहेगा. ठीक है, यस. अपने पास पेमेंट में क्या फैसिलिटी है? पेमेंट 100% एडवांस मोस्टली लेते हैं, और गूगल पे भी है, फोन पे भी है, प्लस कैश जो एडवांस पेमेंट भेजते हैं डायरेक्ट एनईएफटी में वो भी है, प्लस सीओडी कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, उसमें 10% एडवांस है और कुरियर चार्ज एडवांस. ओके, या तो फिर आप एडवांस कर सकते हो या कैश ऑन डिलीवरी, दोनों अवेलेबल है. डिलीवरी भी अवेलेबल. ठीक है, मतलब कस्टमर के कन्वीनियंस के हिसाब से कस्टमर को जो चाहिए वो हो जाएगा. यस. ओके, ये वही जैकार्ड कॉर्डरोइज ही चल रहा है. ठीक है, कलेक्शन काफी अपग्रेड कर दिया है, एकदम बेसिक, एकदम बोलते ना जो फैब्रिक पे प्ले किया जाता है, पार्टी वेयर टेस्ट है, प्योर टेस्ट है, मतलब मजा आने वाला है. Exactly. जितने आर्टिकल मुनीर भैया मैं आज दूंगा, हर एक आर्टिकल का फैब्रिक अलग है. यस, फैब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहा है. डिजाइनिंग आप खुद बोलेंगे कि प्रतीक भैया पहले से बहुत ज्यादा प्लस हो. यस यस यस, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में काफी डील कर रहे हैं, फैब्रिक हैवी यूज कर रहे हैं अभी आप. धीरे धीरे और प्रीमियम लेके जा रहे हैं, अभी 550 तक पहुंचे, 700, 800, 900 तक भी जाना है. ओके, होलसेल मतलब प्रीमियम क्वालिटी डेवलप करनी है सर, कस्टमर्स को भी मजा आ रहा है. ओके, और अब क्या है कि प्रीमियम का दौर आ गया, ये मान के चलो कि अब हैवी रेंज ही ज्यादा चलती है. ओके, यस. वैसे अपना ये माल बिकता किधर है ज्यादा? इंडिया लेवल पे सब जगह पे जा रहा है. ओके, मतलब कोई भी आपका कस्टमर होगा उसको आसपास का रेफरेंस हम दे देंगे. ओके, इतना हर एक सिटी कवर कर. ठीक है, वेरी नाइस. ये वाले आर्टिकल को मैं चाहूंगा जूम इन कीजिएगा इसके पॉकेट को मुनीर भैया. हाँ. ये पॉकेट्स मैच करना बहुत हार्ड होता है, जो आप देख रहे हैं इतनी हार्ड प्रिंट भी पूरी मैच करके बनाइए. ओके, अगर ये आप वेगस का टैगिंग नहीं देते तो पता ही नहीं चलता कि ये पॉकेट भी है. इसको साइलेंट पॉकेट बोलते हैं, हम स्टार्टिंग से ही इसमें बनाने की पूरी कोशिश करते हैं. ओके, और अभी हमारे जो बनाने वाले मास्टर्स है थोड़े मास्टर ही हो गए हैं वो. ओके, मतलब ये चीज बहुत बारीकी से किया गया, फिनिशिंग से माल बना है ये वाला. वाओ, ये बहुत अच्छा पीस है. ये भी लाइक्रा में, आप जैसे इसको टच करेंगे ना मुनीर भैया, फील करेंगे प्लास्टिक जैसा फील आएगा. अभी कपड़ा है ही नहीं भाई, प्लास्टिक कर दिया है, कुछ अलग ही चीज है. इंपोर्टेड है, चाइनीज आर्टिकल्स हैं, कोरियन आर्टिकल्स हैं, उसमें यही चीज चल रही है. तो ये इसमें मतलब समर सीजन में चलेगा ये चीज 100% वन साइड चल रहा है. पूरा ईद का भी टेस्ट है, प्लस समर सीजन का है, प्लस पार्टी वेयर. ओके, मतलब अभी लगन गाड़ा चल रहा है, हमारा टाइम है ये बोलो, इस साल के ये 6 महीने में हम लोग का टाइम, हम ये बोलते हैं. Okay. हर वीडियो में बोलते हैं, हर टाइम समझो. ओके, ये हमारा टाइम है, पार्टी वेयर ही हर कस्टमर को चाहिए. अच्छा पहनना है, प्रीमियम पहनना है, प्रीमियम ही चलता है इस टाइम पे. ये नहीं है वो 1000 में 3 वाले, 1000 में 5 वाले, मीडियम वाले, वो नहीं. ठीक है, ये क्या फैब्रिक है? ये सेल्फ वीव किया हुआ जूट है.
ओके okay. ये भी आप देख पाएंगे इसका वीविंग, ये फैब्रिक यहाँ से देखते हैं ठीक है, ये पूरा वीव किया हुआ है ओके okay. जूट फैब्रिक है, ये ओरिजिनल जूट है, प्योर जूट है ओके वेरी नाइस। इसमें भी पॉकेट्स वगैरह पूरे मैच किए हुए रहेंगे, मतलब वैल्यू फॉर मनी वाला माल, आप जो रेट्स ले रहे हो उसके सामने वो क्वालिटी फिनिशिंग साइजिंग दे रहे हो तो वर्थ माल है ये। फर्मा क्वालिटी फिनिशिंग हर एक चीज मेंटेन करके चलते हैं हाँ। और हमारी ब्रांडिंग हम खुद ही कर लेते हैं, आपके एंड यूजर तक हमारी ब्रांडिंग खुद ही हो जाती है, उसमें कस्टमर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं ठीक है। अगर चीज ये है कितना भी बड़ा आप देख रहे हैं कि पट्टा कितना भी बड़ा है हाँ। हमने मैच करके पॉकेट लगाया ओके। सो द बेसिक एक शर्ट के अंदर क्या होता है, पॉकेट होता है और प्लस कॉलर है, कॉलर में फिनिशिंग चाहिए, हमने सिलाई हटा दी है तो फिनिशिंग का कोई इश्यू ही नहीं है कि सिलाई ऐसे ऐसे जा रही है, सिलाई होगी तो कहीं जाएगी ना सर समझ। वैसे अगर अपने पीस पे कोई डैमेज डिफेक्ट निकलता है, कुछ अल्टर माइनर निकलता है, उसके लिए अपने पास क्या पॉलिसी है? बिल्कुल 100% रिफंडेबल पॉलिसी है, जो भी कोई इश्यू आया उसके लिए हम बंदे हुए हैं ओके। पीस में कोई भी डैमेज डिफेक्ट अल्टर माइनर कुछ भी इशू आया तो उसमें देखने के, क्योंकि कस्टमर से ज्यादा हमको हमारी ब्रांड का डर रहता है, मेरे को मेरा नाम लेके चलना है, नाम से ही कमाना है ठीक है, तो वेगस है तो उसमें सामने को नुकसान नहीं होना चाहिए ओके। मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और गारंटी भी देते हैं 100% और बंदे हुए हैं उसमें, बोलने की जरूरत नहीं। ये क्या फैब्रिक है सर? ये सेल्फ डॉबी जूट है, जो इससे पहले मैंने आपको दिखा सेल्फ वीव था, ये वीव नहीं है, ये जूट है ओके यस, वेरी नाइस। डॉबी इफेक्ट दिया हुआ है ठीक है, और ये जूट फैब्रिक है ओके। तो इसमें कलर वॉशिंग का गारंटी रहेगा आफ्टर वॉश भी? 100% गारंटीड है, हमारे पास 40% आर्टिकल आज की डेट में इंपोर्टेड है और 60% आर्टिकल जो है वो इंडियन है ठीक है। इंडियन आर्टिकल 100% गारंटीड रहते हैं, इंपोर्टेड में 20 से 25% आर्टिकल गारंटेड होते हैं, 10% आर्टिकल ऐसे जो गारंटी बिना के होते हैं वो कस्टमर को बोल देते हैं ओके। मतलब बोल के क्लियर करती है, इंडिया लेवल पे 700 800 900 की रेंज में सेलिंग आज की डेट में है, जो हम लोग 500 520 में प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी उसमें 800 में भी गारंटी नहीं होती। और जो चाइनीज प्रोडक्ट बेचते हैं, जो लोग चाइना से डायरेक्टली प्रोडक्ट इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, वो लोग तो 1300 में बेच रहे हैं सर ओके यस, चाहे अहमदाबाद में हो चाहे मुंबई में हो। सो वही आर्टिकल हम लोग फैब्रिक से बनाते हैं, हम लोग हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है ठीक है। सो हम कच्चा फैब्रिक लेके बना रहे हैं, हमको इंपोर्ट ड्यूटी प्रोडक्ट की नहीं लग रही है ओके। मतलब जो रेडीमेड गारमेंट चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उन लोग का रेट ज्यादा है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है हाँ, तो उन लोग का रेट ज्यादा। बट ऑब्वियस है, एक बात समझो, आप एक गाड़ी लाए हो चाइना से तो कार का इंपोर्ट ड्यूटी लगा, और आप रॉ मटेरियल लाए उसका इंपोर्ट ड्यूटी इतना नहीं होता है जितना कार का लग्जरी का इंपोर्ट ड्यूटी होता है, तो वो फर्क पड़ जाता है ठीक है। तो अपन इंपोर्टेड फैब्रिक्स पे इधर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छे रेट्स पे माल प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है। वैसे किसी को अगर होलसेलर बनना हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो, किसी को खुद के लेबल से माल चाहिए हो, ऐसा कुछ अपन जगह रखी है? हम होलसेलर हैं, हमारे पास डीलर्स हैं, पर हम लेबल से माल बना के अभी नहीं दे रहे ठीक है, क्योंकि और ये भी माल जैसे कि ये माल है, उन्होंने बोल दिया हमको हमारे लेबल से ये माल दे दो, इम्पॉसिबल है सर मेरे स्टॉक्स में, बिकॉज हमारे 4 से 5 जगह पे लेबलिंग होती है okay. ये नहीं है कि भैया ये लेबल एक ही लेबल लगा हुआ है, हम कहीं और से लाए और आपको लेबल चेंज करके दे। मतलब प्रॉपर अगर पूरा लॉट बनाना है तो वो हो सकता है? नहीं सर, टाइम नहीं सेट हो रहा है अभी पुनीर भैया, इम्पॉसिबल है ओके okay. बोलने को वीडियो में सब बोलते हैं बट हमारे और से इम्पॉसिबल है ओके okay. हमारा प्योर मैन्युफैक्चरिंग है, वो टेडरिंग वगैरह जो होते हैं वो लोग सब करके देते हैं, जो भी करना है वो ओके okay. मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकते, एक्चुअल मैन्युफैक्चरर के पास इतनी बात करने का और इतना सब टाइम ही नहीं होता। आपके वीडियो में आपको कंप्लेन भी आएगी मुनीर भाई मेरी, मैं अभी ही बोल रहा हूँ, अभी हाथ जोड़ के माफी भी मांग रहा हूँ सर, रिप्लाई कम दे पाता हूँ लेकिन देता हूँ तो कस्टमर को मजा आ जाता है ओके okay. ये बात ये तो, काफी अच्छा कलेक्शन जो आपने लास्ट में बताया ना, ये व्यू जूट है, ये अभी मार्केट में जल्दी देखने ही नहीं मिलेगा हाँ। ना ही वीडियोस में जल्दी देखने मिलेगा, ना ही आपको आर्टिकल्स में मार्केट में जल्दी देखने। ये बिकता है काउंटर पर, मतलब सिलेक्टेड कलर्स है, अच्छा फिनिशिंग दे रहे हो आप, डिफरेंट चीजें बाजार में ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिल रही, हम 2-3-4 तक दे रहे हैं, 2-3-4 XL हाँ, ये सब आर्टिकल्स में 4 XL तक माल था। अच्छा अपना थोड़ा रेट के बारे में बता सकते हैं, मतलब अपने रेट कितना बेटर रहता है मार्केट से, थोड़ा रेट के बारे में? हमारे लेवल की ब्रांड्स है उससे मेरा 30 से 50 रुपए रेट कम आएगा okay. ज्यादा नहीं आएगा, जो आपकी रेंज में काम, मतलब हमारा जो है ना मुनीर भैया 100% एडवांस कैश का काम है, हम ना एजेंट ऑर्डर इन सब के थ्रू काम नहीं करते okay. ना कोई डीलर के थ्रू काम करते हैं, ना ही समझ लो कि हम लोग क्रेडिट में काम करते, एक भी कस्टमर क्रेडिट में नहीं करते। So, वो जो क्रेडिट में काम करते हैं वो लोग 6 महीने का ब्याज जोड़ते हैं 20 के ऊपर, जो आप ले रहे हो एडवांस कैश में उसमें भी वो जुड़ा हुआ है ओके okay. क्योंकि क्रेडिट वाला अगर 10 लाख खा के भाग गया तो निकालेगा कहां से धंधे में से, धंधे में ही 5 रुपए 20 पे टच होते हैं या 10 रुपए 20 पे प्लस होते हैं आप कहीं पे नुकसान करोगे तो धंधे में से निकालेगा आदमी, सीधी बात है। पता है कि धंधे का 10 लाख कोई खा गया तो उसका पैसा दूसरे कस्टमर से निकलता है,
हमारा सिस्टम ही नहीं है उधार का, एक बार लिया 100 बार लिया 100% एडवांस पेमेंट लेके फिर ही पार्सल निकल जाए, कैश का ही काम रहता है 100%। तो उसमें वो परसेंटेज वो प्लस नहीं होते, एजेंट दलाल अड़ा जो भी बोलो वो भी सब ऐड नहीं होता, सिस्टम ही नहीं। ओके, मतलब वो सब जो टकावारी होती है वो बच जाता है अपना, तो इसकी वजह से हमारा रेट कम होता है। बाकी ना ही कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो आप देख सकते हैं ही नहीं, बहुत मतलब बहुत एडवांस कर दिया प्रोडक्ट, बेसिक बटन यूज नहीं कर रहे सर, प्रीमियम ही बटन यूज कर रहे हैं, स्टिचलेस ही पीस डेवलप कर रहे हैं ये मान के चलो, तो वो तो गालमेल करने की तो जगह ही नहीं है, मतलब वो सर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो मतलब प्रोडक्ट काफी अच्छे बना रहे हैं मुनीर भैया, ठीक है वाला फैब्रिक बहुत वैरायटीज है ना अपने पास बहुत। ये वीडियो के एंड में मैं आपके कस्टमर्स को बोलूंगा पीछे जाओ और देखो कितने फैब्रिक्स कुछ सेम था कि नहीं था, सब अलग अलग फैब्रिक्स, जूट भी दिया, कॉर्डोरी भी दिया, साटिन भी दिया, जो भी व्यूड फैब्रिक दिया, वेलवेट कॉर्डोराइज दिया, हर एक फैब्रिक मैंने डिफरेंट 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 दे दिया। ओके, मतलब फैब्रिक में अपने बहुत ज्यादा वेरिएशन कर, वेरिएशन प्रीमियम के अंदर यही रहता है, हाँ। कि वेरिएशन ही देना है मेन चीज वही है। अभी जैसे मीडियम में तो क्या होता है, अभी कुछ मार्केट में चल रहा है पीसी लाफर, बस एक ही पीसी लाफर फैब्रिक है, उसमें 100 तरह की अलग अलग प्रिंट्स है, तो कस्टमर की जो आपके व्यूअर है उसकी शॉप पे वैरायटी कैसे बनेगी, सब लोग वही बना रहे, सब लोग वही बेच रहे, कस्टमर के वहां कुछ वैरायटी बनी नहीं सकती, खाली पीसी लफर थोड़ी बिकेगा, अलग 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 फैब्रिक्स, रिटेल में भी वैरायटी चाहिए ना, रिटेल में वैरायटी ही चाहिए, बट ऑब्वियस चाहिए, उसके बिना कस्टमर आज की डेट में रिटेल में जो भी कस्टमर आ रहा है मुनीर भैया एक ही चीज बोलता है, कुछ नया फैब्रिक दिखाओ, कुछ अलग दिखाओ, डिफरेंट दिखाओ तो लेना है, रोज नया चाहिए और हमारे पास रोज नया मिलेगा। ओके, ये सेल्फ वीव किया हुआ शैमरे साटिन है। ओके, सर आप तो काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हो, वीडियोस बना रहे हो, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो चुके हैं बात को, आपको काफी एक्सपीरियंस भी है ऑनलाइन कस्टमर्स का, तो वो लोग जब भी परचेस करने आते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से, कुछ सजेशंस उनके लिए? सर कस्टमर को सबसे पहली बात तो अगर अहमदाबाद से फर्स्ट टाइम ले रहा है, हाँ, और अगर आपका काम अच्छा है, छोटी क्वांटिटी है तो मंगवा लीजिए ऑनलाइन, ट्राई करते रहिए, नो इश्यूज, बट अगर आपकी काम अच्छा है, थोड़ी बल्क में क्वांटिटी चाहिए, अहमदाबाद आकर के खरीदी कीजिए, और कोई नई जगह जुड़ रहे हो अगर लग रहा है आपको थोड़ा भी डाउट जा रहा है, ट्रेडर है, सब रखता है, जीन टी शर्ट चड्डी बनियान सब रख रहा है, तो आपके सामने पार्सल बनवाइए खड़े रहकर। ओके, जैसे दिल्ली में बनो, भैया इधर ही माल मेरे सामने भरो। ओके, क्योंकि आपने लिखा है कुछ, वहां पे आया कुछ, हमारे अहमदाबाद का नाम भरा होता है, सो ट्रेडर से काम करो, नो इशू, सब धंधा करने बैठे, बट देख करके आपके सामने पार्सल बनवा के ले जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन है कस्टमर। ओके, Yes. तो ये एक सजेशन में ध्यान में रखते हुए सारे व्यूअर्स एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा ये बात को, क्योंकि सिंगल लेबल वाला बंदा है ना, वो अपने लेबल के नाम से डरता है, तो वो गलत नहीं करेगा, लेकिन ट्रेडर है, 10 तरह के अलग अलग लेबल है, आपको दिख रहा है कि भैया इसके पास हर फोटो में अलग अलग नाम है, समझ लो, मतलब वो ट्रेडर है, ट्रेडर कुछ भी कर सकता है, उसके पास होते ही 2-3 सेट है, समझ लो, और कस्टमर ज्यादा है, इंडिया लेवल की इंक्वायरी रहती है, तो हम रिप्लाई कम देते हैं, वो अच्छा है, समझो, मैं रिप्लाई दिया वो माल नहीं हुआ, मैं दूसरा भेज दिया, वो सब काम में मजा नहीं है, आपका पैसा बर्बाद होता है, पैसा मेहनत से कमाते हो, सीधी बात है, वो तो प्रैक्टिकल चीज है, सही है बोला, ये क्या चीज है, देखना पूरा सेल्फ चेक्स है, पार्टी वेयर आर्टिकल है, ए, बहुत ध्यान दे रहे हो आप इस पे, बहुत अच्छे रेट में माल दे रहे हो, ये देखिए, ये भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक है ये ये व्यूड इम्पोर्टेड डॉबी है, ओके, पूरा व्यू किया हुआ डॉबी है, ठीक है, और मेटल इफेक्ट आता है इसके अंदर, आप देख सकेंगे कलर्स में भी, ओके, और फैब्रिक पूरे प्योर, आप इम्पोर्टेड फैब्रिक जो होता है ना, वो खुद ही बता देता है कि मैं इम्पोर्टेड हूँ, हाँ, एग्जैक्टली, उसका कलर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग ही रहता है, पूरा प्रिंटिंग डिफरेंस रहता है, उसका इफेक्ट्स का डिफरेंस होता है, कलर ब्रिलियंस बहुत सुपर होता है, जो इफेक्ट्स इन इम्पोर्टेड आर्टिकल्स में आती है, हाँ, वो अपने इंडियन जो ब्रांड है वो कॉटन के ऊपर प्रिंट करने में मशहूर है, हाँ, जैसे साटिन फैब्रिक के ऊपर, हाँ, बट इम्पोर्टेड जो है वो प्लास्टिक जैसा इस टाइप के फैब्रिक पे भी, ये फैब्रिक जो मैं प्लास्टिक बोल रहा हूँ इसके अंदर पॉलिस्टर होता है, हाँ, लेकिन ये इस तरह का पॉलिस्टर होता है जो गर्मी नहीं लगती, उसको इम्पोर्टेड बोलते हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा क्यों चल रहा है, मेरे को बहुत कस्टमर लोग पूछते हैं कि दादा आप खुद ही बोल रहे हो प्लास्टिक है, फिर कैसे लें, हाँ, तो इसमें गर्मी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगेगी, हम बेझिझक बोलते हैं सर डिमांड है तो लेना ही है, कस्टमर लेने ही वाला है, हाँ, सीधी बात है, शाइनिंग ऐसा है, और अभी टाइम पार्टी वेयर का, अब तो यही चलना है भाई मार्केट में, अब तो इम्पोर्टेड का क्रेज आ ही गया है। नेक्स्ट क्या है अपने पास सर?
ये चेक्सिस के एक दो आर्टिकल और हैं। ओके इसके बाद में जो दे रहा हूँ वो कोड है, ये इंडियन है। अब ये इंडियन का और इसका आप वीडियो में भी और ये सामने सामने भी शाइनिंग कंपेयर कर सकते हैं। ओके जो प्रिंटिंग डिफरेंस ये इंडिया का भी अच्छा ही लग रहा है मेरे को तो ये प्योर कॉटन है सर। हाँ मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है, प्योर कॉटन है लेकिन चल रहा है। अभी कम करो चाइना की चीजें पहनना तो हम भी कम बनाए इंडियन बनाएंगे ज्यादा। ठीक है नाइस नाइस, बहुत बढ़िया कलेक्शन है इस बार, काफी अच्छा लग रहा है वीडियो बना के, ताकि अपने व्यूअर्स को नई फैब्रिक्स वैरायटीज मिल रही है। ये कोड है, ओके इंपोर्टेड कोड है, लाइक्रा के ऊपर है, मस्त चीज है, उसकी प्रिंट बहुत मस्त है। शेड की भी अंदर लाइट शेड पे ज्यादा काम कर रहे हैं अपने, नहीं डार्क शेड्स में भी फुल है। अच्छा बताया तो सही दादा, ईद की तैयारी फुल है, कहीं से भी कम नहीं, ईद की भी फुल तैयारी। ओके जो चाहिए ये मान के चलो कि नाराज तो कहीं भी कोई भी कस्टमर नहीं होगा, जिसके यहाँ ईद चलती है वो भी हम लेंगे, होली भी हमारी है, ये मान के चलो राजस्थान की होली भी हमारी है, फुल तैयारी है, मतलब पेट भर के माल बनाया, जितना माल चाहिए उतना मिल जाएगा ना। यस 100% जितना माल चाहिए उतना मिल जाएगा, जितनी डिजाइन चाहिए उतनी मिल जाएगी। ठीक है वेरी नाइस। यस इसके बाद जो दे रहा हूँ प्लेन के अंदर दे रहा हूँ, टेक्सचर दे रहा हूँ, आप चार्ट देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। ओके डिफरेंट है, थोड़ा क्लोजअप से दिखा सकते हैं सर। यस ठीक है, इसको टेक्सचर बोलते हैं, ये अभी आपको इंडिया लेवल पे जल्दी देखने मिलेगा। ओके इसका चार्ट कलर चार्ट देखेंगे ना मुनीर भैया, सुपर कलर चार्ट। ठीक है वेरी नाइस, ब्लैक इस पे कलर ऑप्शन मिल जाते ना, 100% कलर ऑप्शन है, कस्टमर एक कलर भी ले सकता है, इसमें पूरे गोल्डन बटन दिए हमने, बहुत बढ़िया है सर। इसके बाद बिस्किट है। ठीक है यस ओके, नेक्स्ट क्या कलेक्शन है अपने पास? नेक्स्ट मुनीर भैया चेक्स के अंदर मैटी है, मैट के ऊपर पूरी चेक्स बनाई है। ठीक है मैट फैब्रिक है, जो टी शर्ट्स में मैट बोलते हैं उस टाइप का मैट फैब्रिक है। ओके थोड़ा क्लोजअप से दिखाओ ना, ये आजकल बिग ब्रांड्स में बहुत चल रहा है। ओके नाम नहीं लूंगा। इसके बाद एक ये देखिए। ओके ज्यादा सिंगल पॉकेट पे काम कर रहे हैं, 100% सिंगल पॉकेट, 100% फिनिशिंग वाला, वही पार्टी वेयर पूरा 100%, नो रिस्क आर्टिकल्स। ये नहीं है कि वो खटे मीठे पॉकेट जो चल रहे हैं अब वो 3 महीने की फैशन होती है, 1% लोग वो चीज पहनते हैं, फिर उसके बाद बेसिक ही चलता है। बेसिक तो 12 महीना चल रहा है, बंद करके रख दोगे ना पेटी में और दिवाली पे मेरी पेटी खोलोगे मेरे माल की तो भी माल बिक जाएगा। ओके बहुत बढ़िया, ये पूरा यार्न डाइड आ गया। ठीक है ये ऑक्सफोर्ड यार्न डाइड है, उसके बाद ये 50 स्ट्वीट यार्न डाइड है, 50x60 है एक्चुअली, 50x60 इसमें अलग अलग होता है, 50x60 जो होता है थोड़ा थिक होता है नॉर्मल से। ओके यस इसके बाद इंपोर्टेड डिजिटल आर्टिकल दे रहा हूँ, डिजिटल प्रिंट्स। ठीक है जो एक्चुअल डिजिटल प्रिंट्स आती है। ओके वेरी नाइस, कॉपी नहीं है प्योर है। ओके जो भी चीज देनी है प्योर ही देनी है मुनीर भैया। ओके और सिंगल रेप्लिका फिनिशिंग में काम किया हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको के फिनिशिंग चेंज हो रही है। सो मैं बार बार इसके लिए वीडियो में ये चीज बोलता हूँ कि आप फिनिशिंग वीडियो में भी चेक करते जाइए कि हाँ वही फिनिशिंग है कि नहीं है। पॉकेट भैया थोड़ी देर पहले बोले थे हम हर आर्टिकल में पॉकेट है, पॉकेट अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि बंद हो गए, वीडियो में पता चल जाता है कस्टमर्स को। ओके दूसरा हमारा ये है कि हम सिंगल सिंगल कलर नहीं दिखाते, हम कलर के साथ ही वीडियो बना देते हैं। ठीक है कस्टमर वीडियो में से भी स्क्रीनशॉट निकाल करके हमको ऑर्डर दे सकते हैं। ओके ये नियॉन डिजिटल है, ये इंपोर्टेड मैट डॉबी पे बना हुआ है, इसकी ब्राइटनेस देखना मुनीर भैया, कॉलर देखते मस्त चीज है, मर्द पीस लगा हुआ है, बहुत सुपर चीज है। ठीक है ये क्या फैब्रिक है अभी? ये एक और टेक्सचर है, प्लास्टिक की बोल सकते हो उसको भी। ओके इंपोर्टेड को बोलता ही प्लास्टिक हूँ मुनीर भैया समझ लो, क्योंकि लगा ही प्लास्टिक पड़ा है। ये भी आप जूम इन कर सकते हैं। ठीक है इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ओके मतलब जो कुछ चेक्स थोड़ी जगह से उपसी हुई है कहीं से बैठी हुई है। वेरी नाइस कलेक्शन वाइज बहुत अच्छा माल है वाला मुनीर भैया। टेस्ट जो है आप पहले हमारे यहाँ आते थे और अब आप आए हो तो पूरा आप देख पाएंगे अलग कर दिया है। यस 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 पहले से पूरा डिफरेंट कर दिया है और हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं और डिफरेंट चीजें और नई चीजें लाते जा रहे हैं। ओके फैब्रिक में काफी वेरिएशन लाते जा रहे हैं। अच्छा चेक्स में मुनीर भैया मैं बोलना चाहूंगा, आगे आपने पहले लाइट चार्ट देखा फिर डार्क देखा अब मिड चार्ट देख रहे हो आप, मिस्ट कलर्स बोलते हैं इनको। ओके यस
मतलब टोन नाम की चीज में जितने टोन आते हैं सब है। ओके नेक्स्ट अपने पास क्या वैरायटी है? इसके बाद डिजिटल दे रहा हूँ डार्क कलर का। ओके मतलब क्लास आर्टिकल है, प्योर डिजिटल, ओडी डिजिटल बोलते हैं इसको। ओके डिफरेंट चीज है, ठीक है, ओडी डिजिटल बोलते हैं, ओवरडाइड ना। यस ये देखिए। ओके इसकी शाइनिंग देखिएगा, उन्हें बहुत फैब्रिक है। वाओ इसे इस तरह से ग्रे टेक्सचर होता है इसका, ठीक है। यस ये मिलांज नहीं है ना? नहीं मिलांज जो है वो थोड़ा लाइट हो जाता है कहीं कहीं से। ओके यस ओके फिर ये शैमरे एम्बोज है, शैमरे एम्बोज साटिन प्रिंट बोला जाता है। ये जो लाइनिंग है ना ये एम्बोज की हुई, आप फील करते हैं। ओके बहुत वैरायटीज कवर करी ये वीडियो में अपन ने। नेक्स्ट अपने पास क्या कलेक्शन है अभी? उन्हें भी आपकी डिमांड डार्क थी, अब हम डार्क पे डार्क दिए जा रहे हैं। ओके डार्क में काफी वैरायटीज है ना? डार्क में भी है, लाइट में भी है, मतलब ये मान के चलो सर्वगुण संपन्न हो गए अभी हम। कस्टमर को जो चाहिए वो मिल जाएगा। यस ठीक है। ये साटिन प्रिंट्स है। कोई व्हाट्सएप करेगा तो आप सारी वैरायटीज भेज दोगे ना? एक आध दिन लेट देता हूँ रिप्लाई, लेकिन 100% मजा आएगा आपके कस्टमर। ओके और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं है आप करो 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 बेचना है ये नहीं। डिसेंट स्टॉक है, स्लो ही होता है फिनिशिंग का काम, फास्ट नहीं होता है सर। ओके जो नहीं पॉसिबल है फास्ट बनना वो नहीं पॉसिबल है, बट ये जितनी वैरायटी अभी मेंटेन कर रहे हैं हाँ। वो भी ऐसा हम मान के चलते कि बहुत है हमारे लिए, इतना सोचा नहीं था इतनी वैरायटी कभी मेंटेन कर पाएंगे इस फिनिशिंग में। ओके कितना स्टॉक रहता है तो अपने पास एट अ टाइम? जितना कस्टमर को चाहिए मिल जाए। अच्छा उन पे डिपेंड करता है, कस्टमर थक जाता है सर हम नहीं करते। ओके तो वैरायटी जितनी चाहिए अवेलेबल है। ये पीच कलर है। ओके ये वॉफल है, माल में भी वो नाम से जब माल मिलता है तो जल्दी बनाता हूँ मैं थोड़ा ज्यादा। सही बात है, व्हाइट बहुत सुपर है, ठीक है, क्लास है इसका व्हाइट सर। मेन तो ब्रोचेस से एक थोड़ा लुक बढ़ जाता है पीस का आपके। सर एक्स्ट्रा खर्चा है पर ठीक है, हम लोग खर्चे के सामने नहीं देखते, हम पीस को जितना हो सके और उठाने के बारे में ही सोचते हैं। सिंगल पीस पैकिंग खर्चा बढ़ जाता है, ब्रोच खर्चा बढ़ जाता है, प्रीमियम बटन खर्चा बढ़ जाता है, स्टिचलेस फिनिशिंग खर्चा बढ़ जाता है, मतलब ये मान के चलो हर चीज में खर्चा बढ़ ही रहा है, लेकिन पीस जो है वो उसके जब जब बैठता है। ये चेक्स है लेकिन सेल्फ प्रिंटेड चेक्स है। सेल्फ प्रिंटेड? यस अंदर प्रिंट है। ओके वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कलेक्शन लग रहा है ये वाला। ये जैक्स अच्छी है ये वाली। इसके कलर बहुत मस्त है, आइसक्रीम है, ठीक है, चार्ट आइसक्रीम है, रॉयल चार्ट। ओके एक ये जैकार्ड कॉर्डरोइज है, जैकार्ड कॉर्डरोइज, कॉर्डरोइज के अंदर भी पूरा इंपोर्टेड आप देख सकेंगे, प्रिंट बनी हुई है। ओके यहाँ से देख सकते हैं आप, प्लास्टिक लगा पड़ा है। ओके जैकार्ड कॉर्डरोइज ना? यस ठीक है। इसमें कितने कलर्स हैं? कलर बहुत मस्त है इसका, हमारा सबसे ज्यादा मशहूर ये वाला पीस भी खोल सकते हैं सर? यस बिल्कुल खोल लेते। ब्लैक वाला पीस खोलिए ना, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है ये वाला। व्यूअर्स को रिकमेंड करता हूँ आप ये पीस जरूर लीजिए, जैकार्ड कॉर्डरोय बोलते हैं इसको। यस ठीक है, नया चीज है, नया फैब्रिक है, ये बहुत अच्छा है, ये प्रीमियम में बिकेगा आराम से, अच्छा खासा इसमें मार्जिन मिल सकता है, वो वाली चीज है। ठीक है बाकी तो सर अपना जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहता है वो अपना 51 पीस रहता है। साइज अपने पास एम एल एक्सएल, डबल एक्सएल रहती है, 2, 3, 4 XL भी रहती है। yes. और कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, पीस yes. में कोई डैमेज डिफेक्ट आता है तो पीस टू पीस रिप्लेसमेंट हो जाता है, 100% रिप्लेस हो जाता। ठीक है कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है जिसमें ऑल ओवर इंडिया 10% एडवांस रहता है। ओके और कुरियर चार्ज एडवांस रहता है। ठीक है कोई भी कॉर्नर में इंडिया से आपका कस्टमर है, ओके वी विल प्रोवाइड द डिलीवरी। ओके वो डिलीवरी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल क्या है अपने पास? ये क्रिस्टल प्रिंट है, इसका फैब्रिक देखिएगा, मेरे क्या थिक फैब्रिक एकदम। ओके यस क्रिस्टल प्रिंट्स। ओके ओके बाकी सर जो पहली बार आपसे जुड़ना चाह रहे उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? फिनिशिंग वाला काम है टोटली, मार्केट से 20-30 रुपए महंगा लगेगा, पीस शॉप पे आने के बाद नहीं लगेगा, वो मेरी गारंटी है। ओके यस ये देखिए
मुनीर भैया, मैं एक लास्ट सलाह आपके जो मीडियम रेंज के रखने वाले कस्टमर्स हैं उनको देना चाहूंगा। 20,000-25,000 का माल हैवी रख के देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बहुत मजा आएगा माल बेच के। और अभी जो पार्टी वेयर का सीजन है यही चल रहा है, 110% पार्टी वेयर प्रीमियम आर्टिकल्स का ही अभी टेस्ट चल रहा है। ओके, सो यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स एंड दैट इज अवर 100% एश्योर्ड गारंटी। ओके, यस, यार समझना, कोई 50 पीस लेगा तो कितना बिल बनता है अपना अप्रोक्स? 20,000-25,000 का बिल बनता है। ठीक है, एक बार स्टार्ट करेंगे तो उनको आइडिया लगेगा कि किस तरह का अपना 25,000 में अपना कुछ लूट नहीं जाने वाला है, दुकान तो अपन लेके बैठे ही हैं। अगर हम 400 में पीस बेचे तो 400 वाला 400 में भी अगर लास्ट में बेच लिया तो नुकसान तो नहीं है, कुछ देखा ही जाएगा आपको कस्टमर। और अच्छी चीज बेचोगे तो कस्टमर रिपीट आएगा। मीडियम रेंज बेचने में क्या होता है, कस्टमर का रिपीट रेशियो जल्दी नहीं होता। जो नए शॉपकीपर जो नया ओपन कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, रिपीट रेशियो अगर आपको कस्टमर का चाहिए तो आपको उसको अच्छी क्वालिटी देनी, अच्छी फिनिशिंग देनी, अच्छी चीज दोगे तो ही दूसरी बार कस्टमर। मीडियम रेंज में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेगा, उसमें फिनिशिंग नहीं ही दे सकता है। जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है, जो हो सकता है वही हो सकता है, समझ लो। कार हवा में नहीं उड़ सकती, अभी टाइम है, उड़ेगी टाइम है, अभी नहीं उड़ सकती, अभी रोड पे ही चलेगी। तो बस कोई अगर तारे दिखा रहा है कि भैया मैं 200 वाला माल 100 रुपए में दे दूंगा तो इम्पॉसिबल है, वो ठग है, चीटिंग है, चीटिंग ही है, समझ के चलो, पॉसिबल ही नहीं। ओके, यस, मैं आपको 400 वाला माल 430 में दूंगा, फिनिशिंग दूंगा, अच्छी क्वालिटी दूंगा। अब ये लास्ट है, हमारा बेस्ट आर्टिकल है, साटिन है, इसके कलर चार्ट देता जा रहा हूँ। ये भी स्टिचलेस है, आप जूम इन कर सकते हैं। ओके, वो वाला चेक्स दिखाई है ना सर, वो जरा सेकंड वाला जो चेक्स है वो लेदर चेक्स है, वो भी दे रहा हूं। एक बार लेदर चेक्स अपने व्यूअर्स को बताना, काफी अच्छा लग रहा है मेरे को दूर से ही। ओके, बहुत सारे कलर्स हैं ना इसमें, कितने कलर का चार्ट मेंटेन करते हैं अपने? अभी 27 कलर है टोटल, इसमें बिग साइज अवेलेबल है ये दोनों में, सब में, ये जो आर्टिकल है एक ये वाला, एक ये वाला, यस, दोनों में। तो मेरे लिए निकाल देना, बहुत अच्छे कलर्स है ये वाले, बहुत अच्छा पीस लग रहा है, मेरे खुद के लिए लेके जाऊंगा। क्या क्या फैब्रिक बोला इसमें? ये साटिन है। अप्रोक्स रेंज में को बता सकते हो? ये 430 का रेंज है, मैं ओपन कर देता हूं इसका रेट आपके लिए। ओके, ठीक है, जरा मैं मेरा पीस देख लूं एक बार क्या है। एक्चुअल में फैब्रिक काफी हैवी है, और ये जो ब्रोच है ना ये भी काफी हैवी लग रहा है, रिमूवेबल है। यस, बहुत अच्छा पीस है, वीडियो बनाने के टाइम पे आप निकाल के इसको साइड में रख सकते हो ब्रोच को। 100% नेक्स्ट वीडियो में अपन ये जरूर शर्ट पहनेंगे। ओके, ये क्या चीज है अभी सर? ये ड्रिल के ऊपर है। ओके, पार्टी वेयर चेक्स डेवलप की हुई है डार्क चार्ट के अंदर। लाइट कलर के कॉटन पैंट्स का मैचिंग जो होता है वो जल्दी नहीं मिलता है कुछ कलर्स का, फॉर्मल टाइप्स जो बोलते हैं, डिफरेंट कलर के शेड्स हम लोग डेवलप करते हैं। ओके, और अभी ये सारे सैंपल बाकी है, पहले नहीं होते थे इतने सैंपल मुनीर भैया, बट अब ए टू जेड ये सब में स्टॉक है, रेडी स्टॉक है। ठीक है, और दिखाओ ना सर, बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो ब्लैक और वो जो ब्राउन पीस पड़ा है वो भी थोड़ा दिखा देना। ये देखिए, ओके, इसके अंदर चाइनीज कॉलर का भी ऑप्शन है और कॉलर्स का भी ऑप्शन है। ठीक है, इसका पूरा चार्ट मैं आपको इसी तरह देता हूँ। ओके, इतने कलर्स मिल जाएंगे ना अपने व्यूअर्स को? ये हाफ चार्ट है, हाफ और है। कितने कितने कलर बना रहे हो, मतलब इसमें पूरा कलर चार्ट अलग था, इसमें पूरा कलर चार्ट अलग है। नाइस, कस्टमर को कलर चॉइस चाहिए वो अपन दे रहे हैं। ओके, कस्टमर को अच्छी वैरायटी चाहिए वो अपन दे रहे हैं। ओके, और आज की डेट में कस्टमर्स की डिमांड है तो काम करने में बुराई क्या है? कस्टमर को मोनीर व्लॉग्स के वीडियो चाहिए, मिल रहे हम दे रहे सबटाइटल चाहिए थे आपने दे दिए बात आउट ऑफ इंडिया के भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स, थैंक यू मोनीर, बहुत मतलब सबटाइटल्स का बहुत फायदा है। ये जो आपका थोड़ा खर्चा और परेशानी बढ़ गई है वो मैं देखता हूँ, मुझे पता है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कसम से, आउट ऑफ इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे आप वीडियो में पूछते हो और कोई बताता है, मैं आपको सामने से बता रहा हूँ, बहुत बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। ओके, अरे अपन जो वैल्यू दे रहे हैं, अपन जो काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, ये बहुत बहुत बड़ी बात, चीज वही है। और जो सच में आपने जो ये ऐड किया है, इट इज अ हेडेक, सबटाइटल डालना बहुत हार्ड है इंडिया में, इंडियन एडिटर्स इंग्लिश पूरा एडिट करके प्रॉपर इंग्लिश विद ग्रामर डालना बहुत हार्ड है, इम्पॉसिबल। ठीक है सर, अभी ये नेक्स्ट आप क्या कवर कर रहे हो? ये इम्पोर्टेड डिजिटल है, इसका कलर देखिए भूल गया, थोड़ा ज्यादा वीडियो बनाते ना, ज्यादा वैरायटीज कवर करते हैं। वीडियो एक घंटे का हो जाएगा एक घंटे का, डेढ़ घंटे का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब तक कस्टमर वो क्वालिटी सैंपल्स मिल रहे टाइम मायने नहीं रखता है इसमें। ये पूरा सेल्फ चेक है, पट्टा है। ओके, एंड वो भी पूरा मैच किया हुआ है। ओके, भी पार्टी वेयर आर्टिकल है, वेरी नाइस। ये देखिए कलर चार्ट, इसमें 6 कलर का छोटा चार्ट। ओके, बट सारे ही रामबाण। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, ये क्या सर बता रहे अभी? ये सेल्फ डिजिटल फ्लावर फ्लोरल डिजाइन है।
सेल्फ डिजिटल फ्लोरल डिजाइन। आप देखिए इसके ऊपर का जो इफेक्ट है पूरा अलग है, और एक और अंदर शेडो इफेक्ट से फ्लावर बने हुए हैं। डिजिटल का एक्चुअल बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, डिजिटल किसको बोलते हैं। ओके यस, शेडो इफेक्ट से प्रिंट के ऊपर प्रिंट बना है। ये रिकमेंड करूंगा, आप जरूर लीजिए, अच्छा पीस है ये। बहुत वैरायटीज है मतलब आपके पास, तो मतलब अभी समझो ना 34 मिनट्स में अभी मेरे हिसाब से 20% सैंपल्स आपके कवर किए रहेंगे अपन ने। 10% ही सर, तैयारी तीन चीजों की एक साथ है, पार्टी वेयर है, होली है और ईद है। वाओ ये क्या पीस है, ये पूरा मार्बल प्लस अल्जेब्रिक डिजाइन है। ये बिकता है काउंटर पर अच्छे खासे रेट्स में, ये सब चीजें बेच सकते हैं सर, जल्दी नहीं मिलता है। मेन चीज ये है जो रेयरली अवेलेबल होगा उसका आपको रेट मिलेगा, बाकी वो जो पीसी लावर सब बेच रहे हैं उसका आपको रेट नहीं मिलेगा। वो क्या रेट तक बिकता है? ये लेदर है उन्हीं भी आई, इसको खाली टच कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट चीज है। ओके यस, नाइस नाइस कलेक्शन, मतलब इस बार बहुत बढ़ा दिया है, कृपा है, मेहनत भी है सामने। ये देखिए सर, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा कलेक्शन सर। बाकी तो यहाँ पर वीडियो को कंक्लूजन में लाते हैं अभी, बिल्कुल। बाकी मेरे व्यूअर्स को एक बार खाली झलक दिखा दो, यहाँ पर काफी अच्छी डिजिटल प्रिंट है। ये वीडियो में सर ने कवर नहीं की, बट मेरे को काफी अच्छा लगा। चेक्स का कलेक्शन काफी अच्छा है, पीछे भी बहुत अच्छी प्रिंट्स है, बहुत कुछ ऐसा है कि वीडियो में कवर करना चाहिए, बट इतने सैंपल्स है कि क्या बताए क्या ना बताए। रोज एक वीडियो डालनी पड़ेगी, एक वीक तक रोज एक वीडियो डालनी पड़ेगी, एग्जैक्टली। बाकी तो सर इतनी जबरदस्त वैरायटीज कवर करने के, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऐसी वैरायटीज लाते रहे सर, थैंक यू।